वो चारों कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं? नहीं पापा, एक ने जबरदस्ती करके कॉलेज में एडमिशन ली है और 3 कॉलेज से निकाले हुए ड्रॉपआउट्स हैं। गुंडागर्दी करने कॉलेज आए थे। जी तो चाहता है कि उन हरामजादों के हाथ पांव तोड़ दूं। मैं बात करूंगा तुम्हारे कॉलेज के प्रिंसिपल से, कहूंगा उनसे कि एक्शन लें उनके खिलाफ। प्रिंसिपल क्या कर सकता है, सब बड़े बापों की औलाद है जिनके चंदे से कॉलेज चल रहा है, इसलिए ना तो कोई उनको रोकने वाला है ना सजा देने वाला। मैं रोकूंगा उनको, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा उनकी। ओके भाई, कंप्लेंट लिख लिया है, मैं सब देख लूंगा। यहां बैठे बैठे देख लोगे? ये लो डंडा और ये लो हथकड़ी और चलो उठो और बताओ उन बदमाशों को कि पुलिस क्या कर सकती है और कानून क्या कर सकता है। इतने जोश में मत आओ इंदर, अब वो जमाना नहीं रहा जब तुम इस शहर में पुलिस ऑफिसर थे। ये शहर बदल गया है, पुलिस बदल गई है, मुजरिम बदल गए हैं, सजा के तौर तरीके भी बदल गए। और तुम भी बदल गए हो सुधीर, लेकिन मैं नहीं बदल। अबे ये जेम्स बॉन्ड कौन है? ये मेरा होने वाला ससुर, कसम से नीलू का बाप है। अच्छा अच्छा, तो यही है वो तितली का बाप। तुम्हारा बाप है ना मंत्री सदाचारी? मैं उसका भी बाप हूँ। कॉलेज में जो तुम लोगों ने गुंडागर्दी की है उसकी सजा देने आया हूँ। सीधे सीधे मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। नहीं तो क्या कर लेगा बे? म्यूनिसिपैलिटी की जो गाड़ी है उसमें डाल के ले जाऊंगा। ऐसा? ये जनाब इंस्पेक्टर साहब, संभालिए अपने मुजरिमों को। वाकई यार, रिटायर होने के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदले। जो काम मुझे करना चाहिए था तुमने कर दिया। यहां तक तो हमने कर दिया, आगे तुम्हें करना है। हवालात मैंने इतने दिन सड़ाओ कि ये अपनी चप्पलों से तौबा करें। ये मेरे सुरमा बेटे साहब, स्वागतम। कहां से आ रहे हैं आप? हवाला से छूटकर? मुबारक हो, बड़े कारनामे दिखा रहे हैं आजकल आप। सुना इंद्रजीत की बेटी का हाथ तोड़ दिया, एक मरियल से प्रोफेसर को चांटा मार दिया। टट पूंजी हो तुम, ऐसा लगता तुम मेरे नहीं उस श्याम सुंदर के बेटे हो। जुर्म करना है ना तो मेरे मर्तबे के मुताबिक करो, मेरी शान के हिसाब से जुर्म करो। डैड, मैं उस साले इंद्रजीत और उसकी बेटी को आज ही खत्म कर दूंगा। ठहराब, जुर्म करने का यह तरीका जो है वो बेवकूफ लोग इस्तेमाल करते हैं। इंद्रजीत की जान उसकी बेटी में है, उसकी इज्जत उसकी बेटी में है, उसकी इज्जत उसकी जान पे वार करो। मौका देकर घात लगाओ, बाकी मैं संभालूंगा। जाओ नीलो। नीलो, मैं यहां हूं पापा। ओ, यहां क्या कर रही है? हाय पापा। ये तुम किचन में क्या कर रही है? अपने पापा के लिए गरम गरम कॉफी बना रही हूं। अरे पगली, तुमसे कितनी बार कहा कि जब तक तुम्हारा हाथ नहीं ठीक हो जाता तुम्हें कोई काम नहीं करना है, किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। अपना बिस्तर छोड़कर क्यों आई हो तुम? पापा आप खामा खा घबरा रहे हैं, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं हर चीज उठा सकता। बहुत जलन हो रही है। ठहरो, मैं बर्फ लेके आता हूँ। बस बेटा थोड़ा सा, अपने पापा की इतनी बहादुर बेटी होकर के रोते थोड़ी ना है, है? बस थोड़ा सा बर्दाश्त करो। पापा, लोहे की पत्थर की किसी की भी मार का दर्द हो मैं सह लेती हूँ, लेकिन
आग से मुझे बहुत डर लगता है, मैं जलना बर्दाश्त नहीं कर सकती। थोड़ी सी देर और है, अभी ठीक हो जाएगा। देखो और देखो, आइंदा कभी आग के साथ न खेलना, ओके? बस आराम से बैठो, अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाता हूँ, डबल स्ट्रॉन्ग। एक डबल स्ट्रॉन्ग कॉफी मेरे लिए भी, क्यों मिलेगी ना? अरे आओ सुधीर, डबल क्या, तुम्हारे लिए तो मैं ट्रिप। ये अचानक सिविल ड्रेस में कैसे आना हुआ? अपनी बेटी मीनू की शादी का न्योता देने आया हूँ। मीनू की शादी? इतनी बड़ी हो गई वो? बेटियों को बढ़ने में देर कहाँ लगती है, बेल की तरह बढ़ती है वो। नीलू बेटी भी तो मीनू जितनी बड़ी हो गई है, तुम्हें बहुत ही जल्द इसकी शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। हाँ, तो योग्य लड़का ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, क्यों नीलू जी? पापा। नीलू, तुम्हारे पापा को मुझसे अच्छा जवाई नहीं मिल सकता। उस बुड्ढे से कह दो कि नीलू और विजय एक दूजे के लिए बने हैं, वो कबाब में हड्डी बनने की कोशिश ना करें वरना मैं उन्हें चबा जाऊंगा। अपने पापा को यह भी खबर सुना देना, मैंने ऑल इंडिया मोटरसाइकिल रेस जीत ली है, अब तुमको जीतना बाकी है। हमेशा के लिए तुमको तुम्हारे पापा से छीन कर ले जाना है। 17 अगस्त को मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। रेस जीतने की खुशी में हमारा क्लब जश्न मना रहा है, उस जश्न में मेरे साथ नाचने गाने धूम मचाने के लिए आ जाना और सारे जमाने के सामने हमारे प्यार का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देना। पापा, मैं वो अपने दोस्त सहनी के वहाँ गई थी। तुम कहाँ गई थी, क्यों गई थी और हमेशा के लिए कहाँ जाने वाली हूँ मैं अच्छी तरह जानता। चलो मेरे साथ। पापा। चलो। गेट आउट ऑफ द कार। विजय, विजय, बाहर आओ विजय। तुम्हारा नाम विजय जी? तो मैं कबाब में हड्डी हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, तुम मेरी लड़की ले जाओ। देखिए सर, सर अगर अब आपने हाथ उठाया तो फिर मैं भी। तो मैं भी सर, सर मैं भी सर, फिर सर क्या करोगे? फिर मेरा भी हाथ उठ जाएगा। ओ हो, तुम मारोगे मुझे? मारो, चलो मारो, उठाओ। ठीक है, तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, तुमने मेरा हाथ पकड़ा और इसका हाथ नहीं पकड़ा। तुम चाहती हो कि ये मुझे मारे और मैं उसे मार ना सकूं? यही चाहती है सर, बिल्कुल यही चाहती है, क्योंकि मुझसे प्यार करती है सर। क्या बकते हो तुम? मैं बक नहीं रहा हूँ सर, ये मुझे चाहती है और मैं इससे प्यार करता हूँ। तुम इससे प्यार करते हो? मेरे सामने खड़े होकर ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? सर प्यार हिम्मत से नहीं, दिल से किया जाता है। और मार किससे किया जाता है मालूम है? हाथ से। सर ये बात अपनी बेटी से पूछिए, क्यों नीलू तुम उसे प्यार करती हो नहीं? क्या तुम अपने इस पत्थर दिल घमंडी बाप से डरती हो नहीं? अरे बोलो नीलू, तुम्हारा बाप है, कोई हवा नहीं। देखो विजय, तुम मेरे पापा को हवा कहते हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। मेरी आंखों में आंखें डाल के कहो, यू हेट मी, तुम मुझसे नफरत करती हो क्या? ये क्या बोलेगी? बोलूंगा मैं। सुनो बच्चू लाल, ये ना तुमसे नफरत करती है ना मुझसे, ये बेटी मेरी है, ये मुझ पर जान देने के लिए तैयार है और मैं इस पर जान देने के लिए तैयार हूं, मगर ये प्यार तुमसे कर जी। पापा? हाँ, मेरी राय में लड़का ठीक है, मुझे पसंद। मैं तो ऐसे ही तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था बेटे, तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं सर। गुड गुड, कल अपने माँ बाप के साथ घर आ जाना, शादी की बात करेंगे। चलो नीलू। सर मेरे माँ बाप नहीं सर। ओ तो तुम भी इस दुनिया में अकेले हो मेरी तरह। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे माँ बाप की तरफ से इस लड़की के साथ तुम्हारी शादी तय करता हूं, हैं? और इस लड़की की तरफ से ये शादी तुम्हारे साथ पक्की करता हूं। हेलो सब, आप लोग आए, आई एम रियली ऑनर्ड, बहुत बहुत शुक्रिया। सुधीर, आज के दिन की बहुत बहुत मुबारक। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे।
क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? क्योंकि 15 बरस से तुमने कोई शादी अटेंड नहीं की। अरे भाई, अब कब तक बचते रहेंगे? अब तो बेटियों की शादी के दिन आ गए। बहुत जल्द मैं तुम्हें नीलम की रिसेप्शन में बुलाने वाला हूँ। क्या? हाँ, एक बहुत ही अच्छा लड़का देख लिया। तब तो भाई पेशगी मुबारक हो। थैंक यू। मैं जरा मीनू बेटी से मिलूं। प्लीज। कांग्रेचुलेशन। बहुत बहुत बधाई। जीते रहो, जीते रहो बेटी। भाई देखो, ये है तो मेरे दोस्त की बेटी, लेकिन बिल्कुल मेरी बेटी के समान है, इसका ख्याल रखना। जीते रहो। हाँ भाई, चलोगे या बातें कर? क्या झूठ बोला था मैंने? पुलिस की ट्रेनिंग पर जाने से पहले मैंने ये नहीं कहा था कि मैं नासिक जा रहा हूँ। नासिक बोला था, लेकिन पुलिस की ट्रेनिंग तो नहीं बोला था। नासिक तो बोला था ना। चंदू भैया जरा यहाँ आइए, ये बताइए कि नासिक में घोड़ों की मालिश होती है या पुलिस की ट्रेनिंग? मेरे ख्याल में पुलिस की ट्रेनिंग। पुलिस की ट्रेनिंग, एक इल्जाम गायब। अब दूसरा, अब ये बताइए कि ड्यूटी के वक्त लड्डू खाना चाहिए या ड्यूटी करनी चाहिए? ड्यूटी करनी चाहिए। सुन लिया देवी जी, पहले ड्यूटी बाद में ब्यूटी। आपके दोनों इल्जाम झूठे साबित हो गए, गुस्सा थूक दीजिए। अरे गुस्सा थूकने के लिए कहा था, तुम तो चले जा रहे हो। सुनो, मैं सबको साक्षी रखकर तुम्हारी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं क्या कहते हो?